सत्यकाल सारे लोग, मैं हूँ जागनी। वेलकम बैक टू माई चैनल नाम मैजिक शॉप। एंड आज का जो वीडियो है वो है गुरु नानक जी के ऊपर है। गुरु नानक जी हरिद्वार गए थे एक बार, तो उनकी छोटी सी स्टोरी है उसके ऊपर ही कि क्या हुआ वहाँ पे जाने के बाद में, एंड उनका किससे उसका सामना हुआ उसके ऊपर स्टोरी है। तो देखते हैं क्या है स्टोरी पूरी एंड फिर वीडियो, आई होप सबको पसंद आएगा। जिन्हें जहाँ जहाँ पर अपने चरण कमल रखे वहाँ पर यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है और वह सभी दिशाओं में वास करते हैं। हरिद्वार जो कि भारत में है, वहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करने गंगा किनारे आते हैं। एक दिन गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार पहुंचे। वहीं पर एक व्यापारी अपने किसी प्रिय की मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा अर्चना करवा रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यजमान पानी यहाँ पर डालिए। पानी डालते डालते यजमान सोचने लगे, दिल्ली में व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा करवाते करवाते दूसरी ओर पंडित जी भी सोच रहे थे, हे ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी दोनों ने देखा गुरु नानक देव जी सूर्य के विपरीत दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया और वह बोले, ठहरो, तुम्हें यह नहीं पता कि सूर्य की ओर पूजा क्यों की जाती है। गुरु जी नम्रता से बोले, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें बता दो। सूर्य की ओर मुंह करके जल देने से ही हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। गुरुजी ने पंडित जी से पूछा, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? रहते होंगे कहीं हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो तो। गुरुजी तुरंत जोर जोर से पानी उसी तरफ डालने लगे जहाँ वे पानी पहले डाल रहे थे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, अब ये क्या पाखंड कर रहे हो? गुरुजी बोले, मैं अपने खेत जो पंजाब में है उन्हें पानी दे रहा हूँ। यह देखकर दोनों हंसने लगे और यजमान बोले, अरे जब तुम्हारे खेत पंजाब में है तो पानी वहाँ कहाँ से चला जाएगा? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे हजारों किलोमीटर दूर है उन्हें पानी जा सकता है तो मेरे खेत तो कुछ 100 किलोमीटर दूर ही है, वहाँ तो आराम से चला जाएगा। पंडित जी और यजमान दोनों गहरी सोच में पड़ गए। गुरु जी बोले, यजमान जब तुम अपनी पूजा करवा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना कि दिल्ली में जो तुम्हारे व्यापार में घाटा है वो कैसे कम हो। और पंडित जी तुम क्या सोच रहे थे? तुम भी यही सोच रहे थे ना कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा मिले। यह देखकर पंडित जी और यजमान हैरान हो गए और गुरु जी के सामने नतमस्तक हो गए। यदि आप ईश्वर का सिमरन किसी लोग लालच या आडंबर के लिए कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी तीर्थ स्थान चले जाओ, किसी भी दिशा में देखो, आपको भगवान नहीं मिल सकते। सही बात है। मन से यदि आप ईश्वर को याद करेंगे तो आप उनका अनुभव इस संसार के कण कण में करेंगे। सो गाइस, मैसेज बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको पूजा करनी है ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर जाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं भी लगता है कि आपको भगवान के पास जाना है तो बस बैठ कर प्रार्थना करो, एवरीथिंग इज फाइन। सो गाइस, कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, आपको कैसा लगे बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सत श्री अकाल, बाय बाय।